नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, इनसे बात करेंगे कि कुछ दिन पहले परसों बीजेपी के ऊपर जमकर लाठियां बरसी हैं, क्योंकि वो लगातार विधानसभा का घेराव कर रहे थे और शिक्षकों की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे। जी, ऐसा है कि अब भाजपा ने जो बोया था वही आज भाजपा काट रही है। आप देखिए, पूरे देश में खास के 2014 के बाद ये स्थितियाँ बनी है कि कोई भी मतलब मांग करता है अपनी शांतिपूर्ण मांग भी, तो उसको पुलिस सख्ती से कुचल देती है। आपने दिल्ली में देखा कैसे जंतर मंतर से पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया, जबकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो खुद भाजपा ने सारी मर्यादाएं तोड़ी है और आज जब इनकी अपनी पिटाई हो गई है तब ये लोग छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, ये बल प्रयोग की बात है वो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल एक सिस्टम बना हुआ है पुलिस का। उसमें जो हम लोग IPS की ट्रेनिंग में थे तब भी सिखाया जाता था, उसमें एक मंत्र जैसा है कि न्यूनतम बल प्रयोग करना है, न्यूनतम, उस पर बहुत जोर दिया गया है। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो अपने देश के नागरिकों से ही निपटते हैं, कोई युद्ध के मोर्चे पर तो है नहीं, तो अपने देश के नागरिकों से जब निपटते हैं तो जब कभी उग्र भीड़ भी हो जाती है तो उसमें सबसे पहले पुलिस का काम है चेतावनी देने का काम। उससे भी यदि लोग नहीं रुके तो फिर आंसू गैस छोड़ना है, आंसू गैस से भी बात नहीं बनी तब लाठीचार्ज करना है, और लाठीचार्ज से भी बात नहीं बने तब गोली चलानी है, फायरिंग करना है। मतलब उसका एक क्रम बना हुआ है, प्रक्रिया बनी हुई है ना। उसमें आप उल्टी गंगा नहीं बहा सकते कि पहले फायरिंग कर दीजिए, फिर आंसू गैस चलाइए, फिर लाठीचार्ज कीजिए, अंत में चेतावनी दे दीजिए। उल्टी गंगा नहीं बहती है। लेकिन बिहार के या पूरे देश में आप कह सकते हैं ये समस्या है कि ज़्यादातर पुलिसकर्मियों का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग जो है, वो अच्छी तरह से नहीं होती है। तो पुलिस वाले भी क्या होते हैं कि बहुत बार इस तरह जब उग्र भीड़ आ जाती है या कुछ होता है तो वो बौखला जाते हैं, और बौखलाहट में वो ऐसे से करने काम लगते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए। ट्रेनिंग का ये भी हिस्सा है कि अगर कोई भीड़ जो आ रही है तो उसको मारना, अगर लाठी चार्ज करना है तो कमर के नीचे मारा जाता है कि वो सिर्फ भागे। जी, उसी पर मैं आ रहा था ना, न्यूनतम बल प्रयोग का क्या मतलब है। न्यूनतम इसलिए कहा जाता है, अधिकतम बल प्रयोग भी हो सकता था, लेकिन न्यूनतम क्यों कहा जाता है कि आपका उद्देश्य ये नहीं कि आप उसकी जान ही ले लीजिए, आपका उद्देश्य है भीड़ को तितर बितर करना। तो मान लीजिए पैर पर लाठी मारने से भी वो गिर जाएगा और निष्क्रिय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम सर पर डेढ़ डंडा मार रहे हैं, उसकी जान लेना आपका उद्देश्य नहीं है। तो वही मैंने कहा कि प्रशिक्षण की कमी है पुलिस वालों में, और इसलिए क्या होता है कि इस तरह की घटना है। अभी तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि एक कोई विजय सिंह उनका कार्यकर्ता मर भी गया, ऐसे मुझे संदेह है क्योंकि भाजपा ही लोग झूठ बोलने में बहुत पारंगत होते हैं, है ना। क्योंकि मैं पटना PMCH के सुपरिटेंडेंट का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कोई बाहरी चोट शरीर पर नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि विजय सिंह हृदय रोग के मरीज हों और उनको प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक आ गया हो और उनकी प्राकृतिक मौत हो गई हो, तो भाजपा वाले तुरंत उसको माहौल बिगाड़ने के लिए उनको एक शहीद मिल गया, अब उस पर हो रहा है, तो ये स्थिति है। लेकिन खुद भाजपाइयों को सोचना चाहिए। मुझे तो ये भी खबर मिली है कुछ स्रोतों से कि भाजपाई जो उस दिन थे वो कुछ लोग मिर्च का पाउडर लेके आए थे, पुलिस वालों पर मिर्च झोंक रहे थे। भाई, ये कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ये तो नहीं आपको हक है कि आप पुलिस वाले जो ड्यूटी पर है उसकी आँख में आप मिर्च झोंक दीजिए, और अगर वैसी स्थिति में आपको पुलिस ने डंडा से पीट दिया तो फिर आप क्यों शिकायत कर रहे हैं, है ना। तो ये भाजपाइयों के देखिए दोहरे मापदंड होते हैं। ये जो राम भक्त होते हैं ना, ये मतलब परम पाखंडी होते हैं। अगर ऐसा ही लाठीचार्ज गरीब मुसलमानों पर हुआ होता, कल्पना कीजिए पटना में ही गरीब मुसलमानों पर ऐसा ही लाठीचार्ज होता, तो ये भाजपाई लोग अब तक भांगड़ा कर रहे होते, है ना, जय श्री राम कर रहे होते और एकदम कहते कि हाँ हाँ पटना पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब इनकी अपनी कुटाई हो गई है तब इनको लोकतंत्र खतरे में आ गया है और तब जंगल राज की बात होने लगी है। बोले 23 मार्च का बदला लिया गया। नहीं, बदला क्या होता है? बदला कि क्या पुलिस वाले किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, इसे बदला की क्या बात है? आज जब आपकी पिटाई हो गई है, भाजपाइयों की पिटाई हो गई है, तब इन लोग को लग रहा है कि ये जनतंत्र खतरे में आ गया ये है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा का सांसद है, गुंडागर्दी करके खुलेआम घूम रहा है, उससे जनतंत्र खतरे में नहीं आया है? ये तो बिहार के भाजपा के बड़े बड़े राम भक्त जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीर बन गए हैं, उनसे जरा जाके पूछिए कि जब ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह जैसा गुंडा मवाली संसद में बैठता है तो उससे देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है?
और आप पर लाठियां पड़ गई तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। बोल रहे हैं सरकार पुलिस को निर्देश दी थी कि लाठी बरसाना है। नहीं, हो सकता है निर्देश दिया गया हो, पुलिस तो सरकार के अधीन काम करती है, इसमें नई बात क्या है, है ना। और ये भी एक सच्चाई है कि ज़्यादातर पुलिस वाले चाहे सिपाही हों, हवलदार हों या IPS ऑफिसर हों, वो मतलब जो उनके राजनीतिक आकार रहते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स जो रहते हैं, उनके इशारों पर नाचते हैं। ये भी एक सच्चाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। कायदे से पुलिस वालों को संविधान और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि ये पूरे देश में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है कि वो चाहे IPS अधिकारी हो या सिपाही हो, वो राजनीतिक आकाओं का मूड देखकर काम करता है, उनको खुश करने की कोशिश करता है। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ठीक है, सरकार का इशारा होगा कि भाई इन लोग की अच्छी तरह कुटाई होनी चाहिए, तो कुटाई हो गई। लेकिन भाजपा वाले क्या बोले, ये तो कहते हैं ना कि सूप बोले तो सूप, लेकिन चलनी क्या बोले, है ना। खुद इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये भाजपा वाले तो बाबरी मस्जिद पर चढ़कर उसको छनी हथौड़े से तोड़ रहे थे, सारे कानूनों को मतलब कूड़ेदान में फेंकते हुए, और अपनी गुंडागर्दी को ये लोग कार सेवा का नाम दे लेते हैं, है ना। जब भाजपा ही लोग खुद गुंडागर्दी करते हैं ना, तो उस गुंडागर्दी के लिए इन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द अपने डिक्शनरी में रख लिया है, कार सेवा। और कार सेवा का कि कोई गुंडागर्दी कर देंगे। जब 6 दिसंबर 1992 को इन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी अयोध्या में, तो क्या वो विधि सम्मत था, क्या वो कानून सम्मत था, क्या अदालत ने उसका परमिशन दिया था, नहीं दिया था। आपने गुंडागर्दी की, छनी हथौड़ा लेके हजारों लोग चढ़ गए और बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, तो आपकी गुंडागर्दी कार सेवा हो गई। और बाकी लोग करें तो उसमें जंगल राज की बात होने लगती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ भाजपाइयों को कि भाई अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें। और यदि आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम तो नहीं खाइएगा। 2014 के बाद देश की सारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं भाजपा ने तोड़ी हैं, सारी जनतांत्रिक मूल्यों के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया है, तो अब उसी का नतीजा है। तो अब फिर यहाँ पर ये मतलब विधवा विलाप क्या कर रहे हैं। 62 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया गया है, कई सांसद हैं, कई विधायक हैं। क्यों नहीं दर्ज होगा, क्या सांसद और विधायक देश के कानून से ऊपर हैं क्या? तेजस्वी भी तो माननीय विधायक हैं, तो क्या उनके यहाँ रेड कैसे होता है, CBI कैसे चार्जशीट देती है? तो क्या सांसद और विधायक हैं आप, तो क्या आप देश के कानून से, संविधान से ऊपर चले गए? अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को इन्हीं लोगों ने जेल भेज दिया है, जेल में बंद हैं। तो आप दूसरे को जेल भेजते रहिएगा, और आप पर केस होगा तो आप कहिएगा कि हम तो सांसद हैं, विधायक हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है किसी भी कानून में कि सांसद और विधायक पर हिंदुस्तान का कानून नहीं लागू होता? यदि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में गए थे जहाँ प्रदर्शन की मनाही थी, यदि आपने हिंसा की है, यदि आपने धक्का मुक्की की है, कानून को तोड़ा है, तो आप पर FIR होगा ही होगा, इसमें नई बात क्या है। ये थे हमारे साथ पूर्व IPS, जिन्होंने तमाम बातों को विस्तार से रखा है, और जिस तरीके से BJP लगातार सरकार को घेरने में लगी है, और जिस तरीके से उन पे 62 लोगों पर FIR किया गया है, तमाम सांसद और विधायक उनकी भी बातों को साफ साफ बता दिया। इस तमाम अपडेट्स के लिए NBC 24 के साथ बने रहें।